तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से 6 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और जो है कि ऑक्सीजन 6 पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, कितना एक्सपेरिमेंट किया गया था, 6 एक्सपेरिमेंट किया गया था। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्लूकोज का, तो सबसे यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो है कि फर्स्ट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर एक लिखती है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था कि ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया आपको, या ग्लूकोज का कंपाउंड, ग्लूकोज का जो कि फॉर्मूला बना रहा है, बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला बना रहा है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH और जो है कि OH का होल 4 बना रहा है, और उसके बाद यहाँ पर CH2 और OH बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, बिल्कुल शॉर्ट रूप है, इसमें CH एक एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर और CHOH का होल 4 4 मोलिकुल, लास्ट में CH2OH है। तो इसका रिएक्शन कराया गया सबसे पहले किसके साथ, तो HI के साथ रिएक्शन कराया गया। तो HI के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो देखा गया कि एक कंपाउंड बन रहा है, नॉर्मल हेक्सेन बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हुआ। तो यह जब रिएक्शन कराया गया, ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराया गया, HI के साथ, तो यह क्या बन गया, नॉर्मल हेक्सेन बन गया। इससे यह साबित हुआ कि कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वो यह कंपाउंड है नॉर्मल हेक्सेन। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, अगर 7 कार्बन होते तो यह हेप्टेन बनता, 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन बनता, लेकिन यह हेक्सेन बनाया, यानी कि टोटल ग्लूकोज में कितना कार्बन मॉलिक्यूल थे, तो टोटल ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, इससे हम लोग को पता चल गया। दूसरा क्या पता चला कि सभी कार्बन मॉलिक्यूल एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से चेन बनाकर जुड़े हुए हैं, यानी ओपन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यह पहला एक्सपेरिमेंट है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज के रिएक्शन HI के साथ कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट सेकंड। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड में आते हैं, इसमें क्या किया गया कि फिर ग्लूकोज का रिएक्शन जो है कि दूसरा कंपाउंड से कराया गया, यानी कि हाइड्रोक्सी एमीन के साथ कराया गया। तो ग्लूकोज का शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, देखिए यहाँ पर CHO लिख दीजिएगा एल्डिहाइड, उसके बाद यहाँ पर CHOH का होल 4 लिखिएगा, और उसके बाद CH2 और OH लिखेगा। तो यह जो है कि ग्लूकोज का आपको कंपाउंड है, देख लेते हैं कार्बन 6 है कि नहीं, तो 1 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, आइए चेक करते हैं। हाइड्रोजन जो है कि इसमें 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो 3 × 4, और उसमें इसके बाद जो है कि इसमें कितना आ गया, तो इसमें 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, 8 × 4 टोटल कितना हुआ, 12 हाइड्रोजन, इसमें 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, 5, यहाँ पर 1, 6, तो बिल्कुल सही है, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन इसमें है। तब इसका रिएक्शन करा दिया एक्सपेरिमेंट सेकंड में आपको हाइड्रोक्सी एमीन के साथ, तो NH2 और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी एमीन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एमीन कहा जाता है। तो जब हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन कराया गया तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ से H2 और O बॉन्ड बनाकर बाहर निकल गया। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ पर लिखते हैं N, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं N, लिखते हैं N और यहाँ पर लिखते हैं H2। तो हुआ क्या, यहाँ से O और यहाँ पर H2O जल बन के यहाँ से बाहर निकल गया, -H2O, और यह मॉलिक्यूल जाके उसमें जुड़ गया। तो CH डबल बॉन्ड N और OH, उसके बाद CHOH का होल 4, लास्ट में CH2 और OH मॉलिक्यूल। तो यह जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को कहा जाता है ऑक्सीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीन। तो यह जो ग्लूकोज का ऑक्सीन बन गया, यहाँ पर ऑक्सीन बन गया, याद रखेंगे ऑक्सीन। तो यह इससे यह पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तभी हाइड्रोक्सी एमीन रिएक्शन करके ऑक्सीन बना रहा है,
यदि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता तो यह हाइड्रोक्सी अमीन रिएक्शन करके ऑक्सिम नहीं बनाता। तो यह दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। इससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सी अमीन से कराएंगे तो क्या बनेगा, याद रखेंगे क्या बन रहा है, ऑक्सिम बनता है। तो इससे दो तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह दो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, पहला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, दूसरा एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तभी ऑक्सिम का निर्माण कर रहा है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट आते हम लोग करने, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। इसमें होता क्या कि साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। तो आइए इसको तभी समझ में आएगा जब यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो ग्लूकोज HCHO लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आपको, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपको O और यहाँ पर लिखते हैं इधर H लिखते हैं। यह जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन के पास ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर होता क्या कि यह बॉन्ड यहाँ से टूटता है और टूटेगा तो, और यह कैसे टूटेगा, H पर प्लस और CN पर माइनस, तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाता है HCO पर माइनस, इस पर प्लस और CHOH का होल 4 बनता है और लास्ट में CH2 और OH बनता है। तो इसमें यह जो ग्लूकोज आपको टूट चुका है, अब यह जो कि प्लस है वह माइनस के साथ आके जुड़ जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेता है, और माइनस जो कि प्लस के साथ जुड़ जाता है यहाँ पर CN एक बॉन्ड बना लेता है। तो इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज जो है कि HCl से अभिक्रिया करने के पश्चात ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बनाया हुआ है। इससे यह पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है वह दो एक्सपेरिमेंट से पता चला, पहला कौन एक्सपेरिमेंट तो हाइड्रोक्सी एमीन के साथ और दूसरा HCl के साथ। इन दोनों के साथ यह प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। तो तीन एक्सपेरिमेंट हो चुका। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। चौथा एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, तो चौथा एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिए और CHOH का होल 4 लिख दिए और जो कि लास्ट में CH2 और OH लिख दिए। तो देखिए इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे आपको कि ग्लूकोज का रिएक्शन साइनोहाइड्रिन से बना, ग्लूकोज का रिएक्शन सॉरी HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बनेगा। किसका साइनोहाइड्रिन बनेगा, ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बनेगा। अब इसका रिएक्शन जो कि चौथा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या किया गया कि ब्रोमीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराया गया। तो ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि COOH और यहाँ पर CHOH का होल 4 लास्ट में CH2 और OH बन गया। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन के साथ जब ऑक्सीडेशन कराया गया तो यह ग्लूकोनिक एसिड बना दिया ग्लूकोज। इससे यह साबित हो गया कि ग्लूकोज में जो कि यहाँ पर जो ग्रुप है वह एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि यह जो है कि तभी एसिड में परिवर्तित हुआ। यदि यहाँ पर कीटोन ग्रुप रहता तो यह एसिड नहीं बनाता। तो यहाँ पर यह एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप ही ब्रोमीन से अभिक्रिया करके एसिड बना सकता है। तो यह साबित हुआ कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अभी तक हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट पढ़े। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ ग्लूकोज का रिएक्शन कराया HCl के साथ, HCl के साथ कराया तो नॉर्मल हेक्सेन बना। इससे यह पता चला कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा में ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सी एमीन से कराए तो ऑक्सिम बना और तीसरा में ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग जो कि HCl से कराए तो साइनोहाइड्रिन बना। दूसरा और तीसरा रिएक्शन से यह पता चला कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अब वह कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, तो या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन होगा। तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही HCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अभी तक कंफ्यूजन में थे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन तो होते हैं, अब उसके बाद 6 कार्बन के अलावा उसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है, यह दो एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से पता चल गया कि ग्लूकोज में जो है कि कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है तभी यह साइनोहाइड्रिन और ऑक्सिम का निर्माण कर रहा है। अब वह कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है कि क्या है, इसको पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में जब एल्डिहाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया गया
तो यहाँ पर देखा गया कि यह ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, तो इससे यह साबित हो गया कि यह ग्रुप जो है कि एल्डिहाइड ही है, तभी यह एसिड में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन के साथ कराने पर एसिड का निर्माण नहीं होता है। इसलिए यह चौथा एक्सपेरिमेंट से हम लोग बिल्कुल प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में जो यहाँ पर सबसे ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है वह एल्डिहाइड ग्रुप है। इससे पता चला था कि कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है कि कीटो ने यह नहीं पता चलता। वह कौन कौन फॉर्म कर रहा है? चौथा एक्सपेरिमेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट यदि यहाँ पर कीटोन रहता तो यह ग्लूकोनिक एसिड नहीं बनाता। तो ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, ऑक्सीडेशन हुआ और ग्लूकोनिक एसिड बन गया, तो एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना सकता है, कीटोन एसिड नहीं बना सकता है। तो इससे यह प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, या किससे प्रूफ हुआ? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से प्रूफ हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 से क्या प्रूफ हुआ? तो ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से क्या प्रूफ हुआ? कि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं और सभी ओपन चेन में रहते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देखते हैं। तो आइए यहाँ पर अगला जो हम लोग का रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CHO और CHOH का होल 4, लास्ट में CH2 और OH। तो इसका रिएक्शन एसेटिक एनहाइड्राइड से कराया गया। तो एसेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने से देखा गया या क्यों कराया गया, सबसे पहले सवाल यह कि एसेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन क्यों कराया गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हम लोग यह जानना चाहते थे कि ग्लूकोज में कितना OH ग्रुप है। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट नंबर हुआ 1, उसमें यह पता चला कि ग्लूकोज में कितना कार्बन है और कैसे होते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 से पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप, एक ही कार्बोनाइल ग्रुप आया था, क्योंकि उसमें एक ऑक्सिम और एक ही जो कि साइनोहाइड्रिन बनता था। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में यह पता चला कि वह कार्बोनाइल ग्रुप जो है कि एल्डिहाइड ग्रुप है, वह कीटोन नहीं है। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में यह पता किया जा रहा है कि ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है। तो इसके लिए एसेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया। तो जब एसेटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर देखा गया CHO बना, और उसके बाद जो कि अगला जो कंपाउंड है यहाँ पर CH, ध्यान देंगे CHO, यहाँ पर COO और फिर यहाँ पर जो की CH3 का होल 4 बन गया, इसी को एनहाइड्राइड ग्रुप इसी को कहते हैं। और इस लास्ट में जो आपका कंपाउंड है अल्कोहल, यह भी आपको CH2 और यहाँ पर COO और CH3 बन गया। तो एनहाइड्राइड कितना बना, यही एनहाइड्राइड का ग्रुप है, यह एनहाइड्राइड का यह कटा हुआ पार्ट है। तो एनहाइड्राइड इसमें कितना बना, 4 एनहाइड्राइड यहाँ पर है और 1 एनहाइड्राइड यहाँ पर है, टोटल 5 एनहाइड्राइड बना। इससे यह साबित हुआ कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, इसका पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 कराया गया, क्योंकि इसमें देखा गया एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में जब एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया, तो एनहाइड्राइड का काम है अल्कोहल से रिएक्शन करता है एनहाइड्राइड और जो है कि एक नया जो की कंपाउंड का निर्माण करता है। तो इसमें देखा गया एसेटिक एनहाइड्राइड जो कि रिएक्शन के बाद ग्लूकोज से 5 एनहाइड्राइड बनाया, इसका मतलब इसमें 5 अल्कोहल ग्रुप था, तो जो कि यहाँ पर 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, इसीलिए 4 और 1 यहाँ पर, टोटल 5 एनहाइड्राइड बना। तो इस एक्सपेरिमेंट नंबर 5 से अब पता चला हम लोग को कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6, या तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में आपको यह ऑक्सीडेशन करा रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में जो ऑक्सीडेशन किया गया तो देखा गया कि यह COOH बन गया और यहाँ पर CH और OH जो है कि का होल 4 और लास्ट में COOH बन गया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में यह देखा गया किस तरह का एक कंपाउंड वाला, जिसको हम लोग सैकरिक अम्ल भी कहते हैं, बुक में लिखा जिसको सैकरिक एसिड भी कहते हैं, सैक्रिक एसिड कहा जाता है। तो यह सैक्रिक एसिड जो है आपको जो बना, इससे यह साबित हुआ इस ऑक्सीडेशन से कि ग्लूकोज में जो है कि आपको यहाँ पर जो 2 लिखे यहाँ पर 4 होगा, इससे यह पता चला कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल एक ही है,
बाकी सभी प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। इसमें यानी लास्ट में एक ही OH ग्रुप है, चूंकि यही जो है कि प्राइमरी अल्कोहल है और यही जो है कि एसिड बनाता है, चूंकि ऑक्सीडेशन कराने से प्राइमरी अल्कोहल ही एसिड बनाता है। तो यहाँ पर पता चला कि 5 अल्कोहल है। अब वह अल्कोहल सेकेंडरी कैगो है, प्राइमरी कैगो है, कितना टर्सियर है, इसको पता करना था, इसीलिए छठा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो छठा एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीडेशन कराया गया, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाता है, यह ठीक है, यह पहले प्रूफ हो चुका है कि एल्डिहाइड में ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा हम लोग को पता करना था कि इसमें कितने जो है कि प्राइमरी अल्कोहल है, 5 अल्कोहल में से कितने प्राइमरी अल्कोहल है। तो उसके लिए ऑक्सीडेशन कराया गया, तो देखा गया कि मात्र एक ही जो है कि यहाँ पर एसिड का निर्माण हुआ, इसका मतलब मात्र एक ही प्राइमरी अल्कोहल था, बाकी सभी सेकेंडरी अल्कोहल थे। तो इससे पता चला हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से, छठा एक्सपेरिमेंट से, कि ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहल थे। तो ग्लूकोज में कितने प्राइमरी अल्कोहल है, तो मात्र एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडेशन के बाद एसिड का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर जो बना हुआ है। अगर यह सब भी प्राइमरी अल्कोहल होता तो यह सब भी एसिड बना लेता, तो यह सब नहीं बनाया, इससे साबित हो रहा कि इसमें मात्र एक ही प्राइमरी अल्कोहल है। तो आइए अब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यह हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन HI से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका जवाब होगा नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से, ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सी एमीन से कराते हैं या HCN से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सी एमीन से कराएंगे तो ऑक्सीजन बनेगा और HCN से कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। तीसरा क्या पूछ सकता है कि ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोज का एनहाइड्राइड बनेगा। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो साइक्लिक एसिड बनेगा। यदि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो यह अच्छे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज में जो है कि कितने कार्बन होते हैं और कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और कौन कौन से कैसे ग्रुप पाए जाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान देंगे, अभी तक जो भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं ग्लूकोज का, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वह किन किन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पता चला, सबका यहाँ पर एक निचोड़ कहा जाए तो वहां पर लिख दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्यों किए, तो उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग रिएक्शन कराए किसके साथ, तो ग्लूकोज का रिएक्शन कराए थे HI के साथ। HI के साथ रिएक्शन कराए तो उसमें नॉर्मल हेक्सेन पता चला, नॉर्मल हेक्सेन बना, इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और सभी के सभी ओपन चेन के होते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट कराए हाइड्रोक्सी एमीन के साथ, तो उसमें क्या बना, ऑक्सीजन बना, इससे क्या पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट ग्लूकोज में होता है। उसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट में HCN से रिएक्शन कराए साइनोहाइड्रिन से, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड से कराए तो साइनोहाइड्रिन बना, इससे क्या पता चला कि आपको ग्लूकोज में जो है कि एक कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर इससे भी वही साबित हुआ। अब तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो अब आते हैं चौथा एक्सपेरिमेंट, चौथा एक्सपेरिमेंट जब कराए ब्रोमीन के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड बना, इससे यह पता चला कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कीटोन नहीं, क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यही सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो अब आते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराए तो 5 वो एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बना, इससे यह पता चला कि ग्लूकोज में 5 वो OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब आते हैं छठा एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराए तो साइक्लिक एसिड बना, इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, जो बाकी सब जो है कि आपको 2° अल्कोहल है, नहीं तो यह साइक्लिक एसिड का निर्माण नहीं करता। इन्हीं 6 एक्सपेरिमेंट के द्वारा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को तैयार किया गया। उसके बाद बहुत सारा और सब छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब आइडेंटिफाई किया गया। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, देखें और जो भी आप लोग को डाउट हो, समझ में नहीं आए, उसको फिर आप हमसे पूछ लेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 6 एक्सपेरिमेंट किया गया है ग्लूकोज के लिए और 6 एक्सपेरिमेंट में हर एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ हम लोग को जो कि आउटपुट मिला हुआ कि किस एक्सपेरिमेंट से कौन सा प्रोडक्ट बना और क्या पता चला, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से पढ़ें, बनाएं और फिर अगर दिक्कत हो तो हमको पूछेंगे।
हाँ एक बात और, आपको पिछला क्लास में जो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लोग का कमेंट था कि सर जो कि अल्फा की जगह बीटा है, बीटा की जगह पर अल्फा हुआ है, तो उसको आप लोग उसके जस्ट पहले हम बताए हुए हैं कि साइक्लिक में दो होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो उसको आप लोग सुधार लेंगे, वह गलती से लिखा गया है तो उसको आप लोग ठीक से सुधार लेंगे।